फाइनली गेटिंग रेडी फॉर द बिग डे, क्योंकि आज प्रिया की शादी है एंड हम सब लोग तैयार हो रहे हैं. सो इस बार मैंने हेयर स्टाइल में कुछ नया सोचा है. आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ लाइक सम लूज कर्ल्स ऑन माई हेयर. मे भी देखते हैं, अभी भैया आए हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, वो करेंगे. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बाल कभी बाहर बनवाए नहीं है, सो आई हैव नो क्लू अबाउट इट. बट आई थिंक कि ही इज एन एक्सपर्ट, तो वो अच्छा ही करेंगे. एंड उसके बाद हम मेकअप करेंगे. दिस इज द ब्लाउज मैं आज ब्लैक आउटफिट पहनने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम फ्रॉम मामा अर्थ. एंड ये मैंने अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है. आज मेकअप मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगी. सो आई एम यूजिंग दिस मैट पोरलेस फाउंडेशन विच इज़ फिट मी फाउंडेशन फ्रॉम मेबेलिन. एंड ये है शेड 128 विच आई जनरली यूज़ ऑन माई फेस इन एवरी वीडियो लिटरली. तो मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड उसको सेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर अंडर आई एरिया को पाउडर से. और जल्दी जल्दी मैंने इसे थोड़ा सा कॉन्टोर लाइन के नीचे भी लगा लिया है. फिर मैं ये वाला पैलेट यूज़ करके यहाँ पे एक हल्का सा ब्राउन टोन लेकर अपने क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ उसे सेट करने के लिए अच्छे से. दूसरी साइड भी मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है. जल्दी जल्दी मैंने इसको लगाया और उसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरा शेड लेके उसको इंटेंसिफाई करेंगे. थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेके मैंने आउटर वी में लगा लिया और क्रीज एरिया में अप्लाई कर लिया है. फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक लेकर आउटर वी में अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि एक अच्छा डार्क शेड आ जाए आँखों पर. एंड उसको मैंने ब्लेंड कर लिया यहाँ पर हल्का हल्का. फिर मैं ग्लिटर लेकर उसको अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड एरिया पर अच्छे से. और वही सेम ग्लिटर मैंने अपनी ब्राउ बोन पर भी अप्लाई कर लिया और ग्लिटर को मैंने इंटेंसिफाई कर दिया थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेकर. ब्लैक आई शेडो लेकर आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ. आई एम नॉट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ आई लाइनर हियर बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट. उसके बाद मैंने सेम ब्रश और सेम कलर लेकर अंडर आई पर अप्लाई कर लिया है एंड उसको स्मज कर लिया है हल्का हल्का विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्रश दैट आई हैव यूज्ड. तो मैंने अच्छे से स्मज कर लिया. उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे का काजल यूज़ कर रही हूँ अपनी आंखों को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए बिकॉज बहुत थकी थकी सी आंखें लग रही थी. सो आई जस्ट थॉट ऑफ अप्लाइंग द काजल. आई एम यूजिंग दिस फेसेस कैनेडा आईब्रो पैलेट जो मैंने अच्छे से सेट कर लिया है उसको. उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अंडर आई एरिया पर, नोज पर और थोड़ा सा लिप्स के पास में. दिस इज फिट मी कंसीलर फ्रॉम मेबेलिन एंड उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है यहाँ पर. उसके बाद मैंने आई थिंक ब्रश भी यूज़ किया था बिकॉज ये अच्छे से हो नहीं पाता अंडर आई एरिया पर विद द हेल्प ऑफ स्पंज. तो मैंने बाद में ब्रश यूज़ किया और उसको मैंने अच्छे से डैब डैब करके अप्लाई कर लिया है. उसके बाद मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पे लैक्मे का ब्लश लिया है मैंने पिंक कलर का विच इज़ माय फेवरेट. आई एम यूजिंग हाइपर कर्ल मस्कारा फ्रॉम मेबेलिन एंड अच्छे से मैंने मस्कारा को कोट कर लिया है अपने आई लैशेज पर बिकॉज हम एनी वेज लैशेज लगाने वाले हैं. यूजिंग दिस ब्यूटिफुल शेड फ्रॉम लॉरियल एंड उसको मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है अपने दोनों लिप्स पे. यहाँ पे मैं डबल कोट कर रही हूँ इस लिपस्टिक का बिकॉज आई वांटेड दिस कलर. फिर मैं 103 आई इन्जॉय फ्रॉम लॉरियल यूज़ कर रही हूँ टू मिक्स इट अप जिससे कि एक अच्छा कलर आ जाए. यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी हाईलाइटर विच इज़ अ लिक्विड हाईलाइटर और मैंने उसे अपनी चीक बोन पर अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ दिस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी अच्छा लगता है और स्किन में सोक हो जाता है. और बीच में मुझे बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ रहे थे क्योंकि बहुत सारे काम थे बीच में. एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा हाईलाइटर दिवेश की नोज़ पर भी लगाया एंड फिर वही ब्रश मैंने सेम लेके अप्लाई कर लिया. यहाँ पे मैं वही आई शेडो जो मैंने आंखों पे लगाया था उसी से मैंने हल्की हल्की हाइलाइटिंग कर ली, हल्का सा कॉन्टोर कर लिया यहाँ पर और फिर उसे स्पंज से सेट कर लिया है. दैट्स इट फॉर द मेकअप. आई थिंक ये काफी डिसेंट लग रहा है. थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करा दोबारा से. सो गाइज, प्रियाज मेकअप इज डन बाय हर और इन्होंने हमें पहले इन्होंने पहले हमें ट्रायल भी दिया था घर पे आके. वैसे इनका स्टूडियो गाजियाबाद में, बाकी अपने बारे में बताएंगी. एंड एज यू कैन लुक एट हर, शी इज लुकिंग अमेजिंग और बहुत अच्छा मेकअप किया है सीरियसली उन्होंने. प्रिया आप बता दो अपने बारे में. हाँ, मेरा पेज है स्टाइल मी प्रिटी, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा. मैं पारुला सर्टिफाइड हूँ एंड प्लस मैं ना ब्राइडल के लिए ट्रायल्स भी देती हूँ. ब्राइडल के लिए फ्री ट्रायल्स, उसके अलावा नहीं, तो ये ट्रायल्स भी देती हूँ. राजनगर एक्सटेंशन में मेरे स्कूल. वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि आप ट्रायल देते हो क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, ट्रायल नहीं मिलता है फिर मेकअप हो जाता है. लड़कियां बाद में कहती हैं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो बिल्कुल सैटिस्फाई करेंगे आपको. मुझे लगता है कि हाँ ट्रायल मिलना चाहिए. बात मैंने आपसे भी बोली थी कि मतलब ब्राइड को उस दिन लगता है कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ उस दिन बेस्ट लग रहे हैं तब आपको वर्थ है, मतलब पूरा दिन आपका वसूल है. ये हमारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इनका भी इंस्टा हैंडल भी मैम दे देंगी. हाँ मैं आपको दे दूंगी. और प्रिया का हेयर स्टाइल बनाया इन्होंने और मेरा हेयर स्टाइल बनाया, बाकी मैं डिटेल्स आपको दे दूंगी. एंड बहुत अच्छे से काम किया, बिल्कुल एकदम तसल्ली से, शांति से, कुछ भी हबड़ दबड़ नहीं, हसल नहीं, और बहुत अच्छा किया है सब कुछ. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. ब्राइड बताए कि कैसा लगा, तो आप ज्यादा सैटिस्फाई हो गए. नहीं, मुझे सीरियसली मेकअप से जल्दी इतना सैटिस्फेक्शन मिलता नहीं है और बट ट्रायल में भी अच्छा था और अभी भी बहुत अच्छा है. चलो ओके, अब शादी कर लें. Thank you.
गाइज माई मेकअप इज डन और जिनसे अभी आप मिले उन्होंने मेरी लैशेज लगाई हैं, बाकी मेकअप तो मैंने आपको दिखाई दिया है। एंड प्रिया का मेकअप काफी अच्छा किया, मुझे काफी अच्छा लगा। एंड ऑल्सो मैंने ये वाली ज्वेलरी एड कर ली है विद दीज इयर रिंग्स एंड बाल, उन भैया ने मेरे बनाए हेयर स्टाइल, मुझे काफी अच्छा लगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट वन फॉर मी बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल बट आई एब्सोल्युटली लव दिस एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये सच में। बहुत बार बोल दिया बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। कुछ शॉर्ट्स में दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, बस बैंगल्स पहन के आती हूँ। That's it for today's video. I hope कि ये लुक आपको पसंद आया हो एंड मैंने ट्राई किया कि मैं जल्दी जल्दी सब आपको दिखा पाऊँ। ऑल्सो दिस ब्लाउज इज फ्रॉम Amazon जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेकअप प्रोडक्ट्स का भी लिंक दे दूँगी एंड दिस लहंगा इज फ्रॉम एथनिक प्लस, इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है आप वो चेकआउट कर सकते हो। एंड ये ज्वेलरी मैंने वैसे Amazon से खरीदी थी लेकिन अभी इसका लिंक अवेलेबल नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट।